ये देखो 23/5/22 को ये सरकारी संपत्ति पीडब्ल्यूडी के और एनडीपीएल के जैसे में ये होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं देवी देवता का मानकर गिरे हुए हैं। सामने वो देखो लोग साइकिल चला रहे हैं इसके ऊपर और ये पानी भरा हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी के हाथ पर देखो ये होर्डिंग्स लगे हैं 23/5/22 सुबह 7 बजे का टाइम है। देश के अंदर आज हिंदू देवी देवताओं के अपमान की हालत है, जहाँ आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ, हिंदू संस्कृति को देख रहा है, हिंदू संस्कृति को अपना रहा है। उस संस्कृति का किस तरह से अपमान किया गया है एक चुनाव के अंदर, और पुलिस की मौजूदगी में, न्यायालय की मौजूदगी जानकारी में जब ये केस चल रहा है, वहां से कोई ठोस दिशा इनको नहीं दी गई आज तक। न्यायालय से मेरी पूरी मांग है, क्या हर काम के लिए आदमी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जाए? ऐसा कब तक चलेगा देश के अंदर? निचली अदालतें आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी कोई भावना ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन क्या आज हमारे को मुकदमा डाले हुए इस विषय में? 4 साल हो गए इस विषय को उठाते हुए। सारे रानीबाग थाने की जुडिशियर के अंदर कम से कम 20 से 25 सोसाइटी ऐसी हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा रखी है पार्कों के आगे, कि ये कहते हैं कि वहां पर कोई पेशाब ना करे। शर्म आती है ऐसे लोगों को जब ये लगाते हैं और करते हैं, जिस देवी देवताओं को हमने पैदा होने के साथ आजादी से जब हमारे को पहचान मिली थी, जब देश में पैदा हुए थे तो पहली पहचान हिंदू की और आजाद भारत के नागरिक की मिली थी, और बचपन से आज तक देखते आए हैं कि देवी देवताओं की पूजा पाठ हम करते हैं, हमारी आस्था और भाव एक कागज के टुकड़े से भी जुड़ी होती है, और उसी कागज के टुकड़ों को आज इन सड़कों को बिखेर दिया है हिंदुओं की संस्कृति और उनकी जो भावना है उस पर आघात करने के लिए। आखिर कब जाके मैं ये चाहूंगा कि रोहिणी न्यायालय के अंदर ये मामला चल रहा है 113 नंबर कोर्ट में भी, और कब जाके आखिर हमें ये इंसाफ मिलेगा? कब तक ये चलेगा कि ऐसे ये लोग, बड़े लोग कानून तोड़ते रहेंगे और आम आदमी इन लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से पिसता रहेगा? एक संस्था पे कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, बनाता संस्था कोई और है और उसका विचार कुछ और होता है, फिर कुछ लोग उद्योगपति काले धन के धन पे का संस्थाओं में आ जाते हैं और उस धन का इस्तेमाल करके, जिसका हिसाब सरकार के पास नहीं होता, उसको काला धन कहा जाता है। ऐसे धन के इस्तेमाल से ये लोग ऐसे माहौल बना लेते हैं और ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि जो सही आदमी है सत्य की आवाज़ वो दब जाती है, असत्य की और अहंकारी असुरों की आवाज़ जो होती है वो इतनी ऊपर उड़ जाती है, और उसी की वजह से आज ये देश के हालात बनते जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में भी हाल हो रहा है, प्रशासन में भी हाल हो रहा है, सरकारी दफ्तरों में जाओ अगर आप वहाँ पे कोई बात करो, रिकॉर्डिंग करो उनकी, तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गलत क्या होता है? गलत कुछ नहीं होता। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक प्रद्युम्न बिस्ट की जजमेंट पास करी है, जिनमें उन्होंने न्यायालयों में भी कैमरे लगाने की बात कही है, लेकिन आज आप पुलिस के किसी कार्यालय में चले जाओ और रिकॉर्डिंग बनानी शुरू कर दो तो मेरे को लगता नहीं कि बिगर 2-3 फर्जी मुकदमे दर्ज करे तुम्हारे को थाने से बाहर भेज देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर देंगे ताकि तुम्हारी पैरवी कोई ना कर सके। ये सीधा सीधा संवैधानिक अधिकारों के साथ, मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय डीसीपी ऑटो डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर संज्ञान लें, एसीपी मंगोलपुर वृद्धन कादिन जो खुद मौजूद थे, एसएचओ मनोज कुमार, राजनीत कुमार, हर एक पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पे होता है, ऑन ड्यूटी पे इनके सामने ये अपराध हुए हैं, इन पे केस दर्ज होने चाहिए, ये मेरी बिल्कुल खुली मांग है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्दी हम धरने पे बैठेंगे। सामने भी देखो क्या हाल हो रहा है, एक छोटा सा तूफान आधी बारिश से ये पोल खुल जाती है, और ये मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि हमारी आस्था की वजह से देवी देवताओं का प्रकोप है। जिस तरह से देवी देवताओं का कल लाखों पर्चे फैला के सड़कों पर गिरा के अपमान किया गया है, उस अपमान की वजह से आज देवी देवता का ये प्रकोप आया है कि सुबह उन्होंने सरकार को सबूत दिया है। उनको सबूत चाहिए होता है हर बात का, सबूत दिया कि किस तरह से हजारों होर्डिंग उड़ते हुए सड़कों पर जा रहे हैं, अपमान हो रहा है, हादसों का अंतया कितने हादसे हुए हैं या नहीं हुए ये तो पुलिस ही जानकारी दे सकती है, कितने लोगों को मैटर सप्रेस कर दिया जाता है, रोज हवा इस तरह की 30-40 हज़ार कॉल 100 नंबर की होती है, इतने मुकदमे दर्ज नहीं होते। अब ये देखते हैं कि आगे क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।